आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में पीएचडी छात्रा की ससुराल में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा की मौत पर परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिजनों ने छात्रा की मौत पर ससुराल जनों को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र लखौरी बाग का है, जहां दो दिन पूर्व पीएचडी कर रही छात्रा संपूर्णा विश्वकर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता छात्रा का शव घर के अंदर फांसी पर लटकता पाया गया था। मामले की सूचना मिलने पर एफएसएल टीम के साथ पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत शव को पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया था और मार्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। इधर मामले में परिजनों का कहना है कि संपूर्णा का विवाह 3 वर्ष पूर्व लखौरी बाग निवासी राहुल विश्वकर्मा के साथ हुआ था। बताया गया कि संपूर्णा पीएचडी की पढ़ाई के साथ साथ एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। आरोप है कि शादी के बाद ही से ही संपूर्णा के ससुराल जनों द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके चलते उसे लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा था और यही कारण है कि ससुराल जनों की प्रताड़ना से तंग आकर संपूर्णा ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों ने विवाहिता की मौत पर ससुराल जनों को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की जाँच कर दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। मेरा नाम विकास विश्वकर्मा जी। क्या नाम है जी? संपूर्ण विश्वकर्मा। श्री राम परपंच विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं? वो यहीं लखौरी बाग में अपने ससुराल में रहते हैं। क्या जानकारी मिली है आपको? जी मेरे को उनकी बड़ी दीदी से, मेरे मामा के लड़के हैं, उनकी बड़ी दीदी से कॉल आया कि फांसी लगा ली हैं। मैं सिरमौर चौराहे में, तो वहाँ से मैं आया यहाँ, देखा तो मतलब बेड में लिटा, उतार के बेड में लिटाए हुए थे। कैसे, क्या घटना हुई जी? ये तो नहीं पता, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होके पता चले मेरे को। यही है कि जो भी हो साफ कार्रवाई की जाए। इनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? इनके हस्बैंड भोपाल में रहते हैं। क्या करते हैं जी? वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इनका क्या नाम है? राहुल विश्वकर्मा।